नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से इस जन संसद में हम हाजिर हैं क्योंकि आज उत्साह का पर्व का दूसरा दिन है, यानी कि आज सेकंड फेज है, 91 फेज। 91 सीटों पर पहले चुनाव हो चुके हैं, अब 95 सीटों पर चुनाव होने हैं और ये 95 बेहद अहम हैं। पहले भी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की बहुत सी ऐसी सीटें थी जिसमें महागठबंधन दाव पर था, भारतीय जनता पार्टी की किस्मत दाव पे थी और साथ ही साथ दक्षिण में क्या भारतीय जनता पार्टी का किला किस तरीके से नए तरीके से बहेगा या फिर जो दक्षिण की चिर विरोधी पार्टियां हैं वो ढहेगा। एक बार फिर से हम ये कह सकते हैं 95 सीट्स का भी कॉम्बिनेशन कुछ उस तरीके का है। तो लगातार ही आप हमारे साथ बने रहिएगा। 2019 का 95 सीटों का पराक्रम हम इसे कह रहे हैं और आपसे अपील कर रहे हैं कि इस महापर्व में घर ना बैठिए, बाहर निकलिए, वोट कीजिए। हर बार की तरह इस बार हम लगातार इस पर्व को हमारे साथ मनाएंगे। मेरे साथ हैं अदिति, सेल्फी आपकी दिखाएंगे और मेहमानों का, दोस्तों का आने का सिलसिला जो है वो लगातार बना रहेगा। क्यों अदिति? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सचिन, गुड मॉर्निंग हमारे दर्शकों को भी। तो 2019 का दूसरा ऋण शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जी न्यूज पर, वादे के साथ कि हर तस्वीर, हर जानकारी और हर विश्लेषण सबसे पहले जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। पहले 97 सीटों पर ये सेकंड फेज की वोटिंग होनी थी लेकिन एक सीट तमिलनाडु की, वहां पर इलेक्शन को टाल दिया गया और साथ ही जो त्रिपुरा ईस्ट की सीट पर चुनाव होना था उसे अब 23 अप्रैल के लिए टाला गया है। तो कुल मिलाकर 95 सीटें इस दूसरे राउंड में और कुल मिलाकर निगाहें साउथ में कैसी परफॉर्मेंस रहती है, कैसा प्रदर्शन करता है एनडीए और यूपीए दोनों ही। तमिलनाडु की 38 सीटें हैं, कर्नाटक की 14 सीटें हैं। देखिए, अगर आप 38 और 14 को ही जोड़ देंगे तो करीब करीब 52 सीटें ये हो जाती है, 95 में से आधी से ज्यादा सीटें ये हो जाती हैं। और 52 सीटों पर कैसी परफॉर्मेंस, कैसा प्रदर्शन यूपी और एनडीए करते हैं और किसी की निगाह है। लेकिन जी न्यूज बार बार आपसे ये कह रहा है, प्लीज 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 घर से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, मतदान कीजिए और ना सिर्फ मतदान कीजिए, अपनी सेल्फी लीजिए क्योंकि आपके पास सेल्फी का सुपरस्टार बनने का मौका है। देखिए वो नंबर, #VotingRound2, इसे याद कर लीजिए और अपनी सेल्फी, अपनी तस्वीर हमें भेज दीजिए और जी न्यूज पर हम आपकी सेल्फी भी दिखाएंगे और आपको हर खबर और हर तस्वीर सबसे पहले पहुंचाएंगे। सचिन, बिल्कुल। और इस वक्त मैं जरा टीवी स्क्रीन दर्शकों को बता दूं आज कहां का मतदान है। नीचे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उन पर मतदान है, आगरा, फतेहपुर सीकरी, ये वो सीटें जो नजर आ रही हैं। यहां पर लगातार ये ट्रेंड बदलता रहेगा, जहां जहां मतदान है वो आता रहेगा। तमिलनाडु का जैसे अदिति ने बताया, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 38, एक हटा दिया जाए तो 38 सीट है, 39 टोटल है और 38 सीटों पर मतदान है। हमारे साथ महाराष्ट्र की 10 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 3 सीटें हैं, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और रायगंज, बिहार की 5 सीटें हैं, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं और ये 8 एक बार फिर से बेहद अहम वो सीटें हैं जहां पर महागठबंधन, जाट वोट बैंक या फिर यूं कहें कि जातीय समीकरण और भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार का कॉम्बिनेशन। ये पी चिदम्बरम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति जो है वो सीट से लड़ रहे हैं, साथ ही साथ असम की नीचे कुछ सीटें जो नजर आ रही हैं वो आपको यहां पर हैं। तो आज ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के मुकाबला दक्षिण की तरफ से ज्यादा रहने वाला है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। सचिन, हमें पिछली बार भी याद है विद इन 2 मिनट्स प्रधानमंत्री की अपील आ गई थी, प्लीज आप घर से निकलिए, आप लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। कहा आज ज्यादा से ज्यादा युवाओं के वोट करने की उम्मीद प्रधानमंत्री को है, तो आपसे वोटिंग की अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और यही अपील जी न्यूज भी आपसे लगातार कर रहा है। इस समय आप स्क्रीन पर अपने पी चिदम्बरम को देख पा रहे हैं जैसे कि सचिन ने आपको बताया। और कुल मिलाकर एक बार फिर से सवाल वही है सचिन कि देश का मूड क्या है, क्या इस देश में कोई लहर है या फिर कोई आंधी है, क्या वोटर पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट है, क्या वो कंफ्यूज तो नहीं है, क्योंकि पहले फेज की वोटिंग के बाद ये सवाल उठे थे, पॉलिटिकल पंडित्स ने कहा था क्या किसी तरह की उदासीनता है या आलस है या वो पूरे तरीके से श्योर नहीं है। कुल मिलाकर कई सवाल फेज वन की वोटिंग के बाद उठे थे और इस समय कई सारे मेरे सहयोगी इस समय साथ में है। हमारे साथ रवि त्रिपाठी हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और रवि, बार बार, पिछली बार भी 8 सीटों पर वोटिंग हुई थी, इस बार भी 8 सीटों पर वोटिंग, क्या हमने जब पिछली बार मैंने आपसे सवाल पूछा था तब यही था, क्या उत्तर प्रदेश की 8 सीटें मूड सेट कर पाएंगी 9 टाइम्स ज्यादा सीट, 72 सीटों के लिए, क्या पहले चरण से दूसरे चरण में बात करूं तो मूड सेट हुआ है? देखिए, आप अभी बात कर रहे थे आंधी की और कहीं ना कहीं लहर की, तो मैं अगर आपको बताना चाहूंगा, कल जब हम दिल्ली से आगरा की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में जबरदस्त आंधी थी, तूफान भी था और बारिश भी हुई,
तो अभी हालांकि फिलहाल वो थम गया है चुनाव से पहले। अब वोटर क्या जो मतदाता है उनके वोट की आंधी आने वाली है या नहीं है देखने वाली बात है। दिखाना चाहूंगा मौसम है, देखिए ये देखिए वोट डाल के लोग आए, आपसे बात करना है। देखिए अभी वोट डालने के लिए लोग आने वाले हैं और लगातार यहाँ लाइन में एक तरह से कहा जाए 8 पोलिंग बूथ है और ये राधा वल्लभ इंटर कॉलेज है जहाँ पे राज बब्बर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ मतदान करने वाले हैं। देखिए अगर बात करें लगभग आसपास सीटों की तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे संवाददाता जो साथी है उनसे बातचीत कर कि एक तरफ है जात फैक्टर और दूसरी तरफ है मोदी फैक्टर। तो जात फैक्टर पर कहीं ना कहीं महागठबंधन रिलाई कर रहा है, उनको लग रहा है कि जात का जो कम्बिनेशन है जो इससे पहले चलता रहा है वो अगर चलता है तो उनको फायदा होगा। लेकिन जिस तरह से लोगों में मोदी फैक्टर दिख रहा है कि मोदी को लेकर मतदान हो रहा है, मोदी के काम को लेकर मतदान हो रहा है, मोदी के नाम को लेकर मतदान हो रहा है और मोदी और देश के राष्ट्रवाद को लेकर कहीं ना कहीं मतदान हो रहा है, तो उस पर मोदी फैक्टर हावी भी पड़ सकता है। क्योंकि अगर बात आगरा की करें और फतेहपुर सीकरी की करें तो आगरा दोनों सीटें से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला है। कैंडिडेट इसलिए बदला कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था लोकल कैंडिडेट के खिलाफ और नए उम्मीदवार उतारे हैं। अगर राज बब्बर की बात करें तो वो भी अपनी सीट चेंज करके आए, उनको मुरादाबाद से पहले कैंडिडेट बनाया गया था, अब यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों ही सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है खासतौर पर और लग रहा है कि मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। ये भी कहीं ना कहीं ठीक है ना, रवि त्रिपाठी जिसका जिक्र अभी कुछ ही देर पहले विशाल भी कर रहे थे, यही शायद एक फेज है, यानी कि सेकंड फेज के बाद जो है फिर ये चर्चा होनी कम हो जाएगी कि जाट बहुल क्षेत्र है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, दलित बहुल क्षेत्र है, उसका कितना असर पड़ता है। दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, एक तो सुशील कुमार शिंदे जो कि शोलापुर से चुनाव लड़ रहे हैं वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है, वहीं दूसरी तस्वीर शायद हमने किसकी पीछे देखा था बीजेपी की तस्वीरें पहले आनी शुरू हुई थी, हम देख रहे कांग्रेस की तस्वीरें, कांग्रेस की तस्वीरें ज्यादा आनी शुरू हुई क्योंकि कांग्रेस की यहाँ पर कई पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं और कांग्रेस के ना की टक्कर भी दे रही है, भले हम चाहे तमिलनाडु का रुख करें या फिर महाराष्ट्र का रुख करें, सोलापुर का रुख करें, चलिए सोलापुर का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर सुशील कुमार शिंदे की सीट है और साथ में मुकाबला जय सिद्धेश्वर स्वामी है जो कि बीजेपी के हैं। अब कैसा राकेश त्रिवेदी इस वक्त तस्वीर है, कैसा माहौल है, सुबह के वक्त वोटर निकल रहा है बाहर और उससे पहले जो आपकी बात हुई हो क्या कुछ पता लग रहा है, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? सचिन मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा यहाँ पर इस जागृति विद्या मंदिर जो है यहाँ पे एक पोलिंग बूथ है सोलापुर में जहाँ पर इस वक्त शिंदे परिवार जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। सुशील कुमार शिंदे यहाँ पर अपनी धर्मपत्नी और अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, साथ ही साथ कुछ समर्थक भी आए हैं। अब से 3 मिनट पहले जो है यहाँ पर वोटिंग की जो प्रक्रिया उसकी शुरुआत हुई है और यहाँ पर शिंदे परिवार जो है उन सबसे पहले वोट डालने वालों में से एक है। दूसरी तरफ अब धीरे धीरे जो दूसरे वोटर्स है वो भी अब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी जो तैयारियां हैं वो भी कर ली चुकी है, जो सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स किए जाने थे यहाँ पर आसपास वो कर लिए जा चुके हैं। जिस तरीके के इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि 100 मीटर के दायरे में कोई भी गाड़ियां जो खड़ी नहीं हो सकती, लोगों को के लिए यहाँ पर जो इंतजाम किए गए, खासतौर से यहाँ पर देखिए काउंटर बनाया गया जहाँ पर लोग आकर के अपने सबसे पहले लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर वोटिंग डाले जा सकते हैं। खासतौर से सोलापुर में जहाँ पर गर्मी सबसे ज्यादा होती है और जैसे जैसे आगे दिन आगे बढ़ेगा यहाँ गर्मी बढ़ सकती है तो लोगों को तकलीफ ना हो इसलिए यहाँ पर पानी की उनके पीने की व्यवस्था जो यहाँ पर खासतौर से की गई है। दूसरी बात यहाँ पर सोलापुर का सबसे कड़ा मुकाबला इसलिए यहाँ पर है क्योंकि यहाँ कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री रह चुके नेता दिग्गज जो नेता सुशील कुमार शिंदे को यहाँ एक बड़ी टक्कर मिल सकती है। बीजेपी से सिद्धेश्वर स्वामी यहाँ पर उम्मीदवार हैं, साथ ही साथ जो है यहाँ पर एक वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी जो है वो सबसे बड़ा क्रूशियल रोल प्ले कर सकती है, जहाँ से दलित नेता और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर जो है वो कड़ी टक्कर यहाँ पर दे रहे हैं। बिल्कुल, और आप जिस राज्य में खड़े हैं यूपी के पास सबसे ज्यादा सीटें वहीं से आती हैं, 48 सीटें महाराष्ट्र देता है, 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है आज। आपको लेकर चलते हैं बैंगलोर, 14 सीटें कर्नाटक में जयपाल रेड्डी आज जयपाल वहां पर वोटिंग हो रही है आज, 28 टोटल सीटें हैं, 14 पर वोटिंग हो रही है। किस तरह की टक्कर या मुकाबला कर्नाटक में देखने को मिल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के लिए, क्योंकि दोनों पार्टियों के लिहाज से बहुत अहम ये स्टेट? जी देखिए, लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव में कर्नाटक के 28 में से 14 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और इसमें से मैं ये बता दूं कि यहाँ पर बीजेपी कुल 13 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के का जो गठबंधन है वो 14 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। जो एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी है वो सीट मांड्या की सीट है, जो कि एक निर्दलीय उम्मीदवार सुमन लता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया और उनको अपनी तरफ से समर्थन दिया है। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि सुमन लता जो है कर्नाटका कांग्रेस के नेता अम्बरीश और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार स्वर्गीय अम्बरीश की पत्नी है, जो निर्दलीय तौर पर यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं।
जो दूसरे मुकाबले हैं तो उसमें सबसे ज्यादा बैंगलोर विशेष है, क्योंकि यहाँ पर बैंगलोर शहरी क्षेत्र में 3 सीटें हैं और एक ग्रामीण क्षेत्र की सीट है। 3 सीटों में जो है सदानंद गौड़ा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो बैंगलोर नॉर्थ से अपने भाग्य को एक दूसरी बार उस सीट से आजमा रहे हैं। इसके अलावा बैंगलोर का जो अभी अभी कर्नाटक का या यूं कहें कि देश का सबसे कम उम्र का जो उम्मीदवार है वो तेजस्वी सूर्या, जो कि बैंगलोर साउथ की सीट है। बैंगलोर साउथ की सीट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीट के ऊपर में 1991 से ये सीट लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के पास रही है और 1996 से जम्मू कश्मीर का। इस वक्त हमारे साथ राजू किरणी भी मौजूद है उधमपुर से। राजू किरणी, उधमपुर से बेहद अहम मुकाबला एक बार फिर से, जितेंद्र सिंह किस्मत आजमा रहे हैं, टीआर भगत हैं, लेकिन क्या कहा जा रहा है, पिछली बार की तरह इस बार भी वेव है, क्योंकि पिछली बार का मार्जिन बहुत शानदार रहा था, 2 सीटें हैं और उसमें से एक बेहद अहम उधमपुर है। देखिए, उधमपुर में मुकाबला काफी जो है कड़ा मुकाबला है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, तो पिछली बार भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो थे वो मोदी लहर की वजह से जीत के जो है वो निकल के आए थे और मार्जिन बहुत कम था, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो मार्जिन बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि मोदी लहर जो है सबसे ज्यादा जो असर है कठुआ बेल्ट में होता है, और कठुआ बेल्ट में जो है क्योंकि ये जो सीट है उसमें कठुआ बेल्ट जो है इसलिए अहम है कि 16 लाख से ज्यादा जो वोट है इस पूरी सीट में, उसमें से 5 लाख के करीब वोट जो है कठुआ बेल्ट से निकल के आते हैं, और मोदी की जिस तरीके से कुछ दिन पहले यहाँ पे रैली हुई थी और उसमें साफ साफ जो है वो लहर दिख रही थी उसमें, इसलिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह का पलड़ा इस सीट पे जो है भारी दिख रहा है। हालांकि उनके मुकाबले में जो है कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह हैं, जो कि फार्मर महाराजा जो है डॉक्टर करण सिंह के बेटे हैं, और उसके साथ जो है बीएसपी के टीआर भगत हैं, पैंथर्स पार्टी के कैंडिडेट जो हैं हर्षदेव सिंह हैं, और लाल सिंह जो हैं जिन्होंने डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया हुआ था और बीजेपी से हाल ही से वो निकाले गए हैं, वो भी चुनाव में खड़े हैं। लेकिन मुख्य मुकाबले में अगर देखा जाए तो पलड़ा जो है इस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जो है वो भारी जो है वो दिख रहा है, और उसके साथ में आपको ये बता दूं कि हालांकि आगे आपके पास आएंगे तो तस्वीरें भी देखना चाहेंगे और वोटर क्या कह रहा है, उसके लिए क्या मुद्दे हैं वो भी आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ओडिशा से एक खबर है, ओडिशा में 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, लेकिन उससे पहले अच्छी खबर नहीं है। ओडिशा में नक्सलियों ने एक महिला चुनाव अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी है, 2 चुनावी वाहन और 1 मोटरसाइकिल को आग लगा दी। नक्सल प्रभावित ये कंधमाल का इलाका जहां पर ये दोनों हमले जो हैं इन्हें अंजाम दिया गया है। दूसरे चरण की वोटिंग, 2 नक्सली हमले उससे पहले, 21 लोकसभा सीटें कुल मिलाकर और उड़ीसा की 5 सीटों पर आज हो रही है। उससे पहले आपको याद होगा पहले चरण की वोटिंग से पहले भी बीजेपी एमएलए की हत्या कर दी गई थी, उनके सुरक्षा कर्मियों की हत्या की गई थी, तो नक्सली एक बार फिर से लोगों में डर फैलाने की कोशिश में दिखाई देते हैं। बिल्कुल, और पिछली बार भी हमने देखा था जिस बार दंतेवाड़ा में हमला हुआ था और उसके बाद कोशिश की गई थी कि बस्तर का जो चुनाव था उसे अफेक्ट किया जाए, लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा था लगातार अपील करते आ रहे हैं कि आप घबराइए नहीं, बाहर निकलिए, वोट कीजिए, और कुछ वैसी तस्वीरें कल पिछली बार हमने देखा जम्मू कश्मीर से भी आई थी कि लोगों ने नक्सलियों को या फिर यूं कहें कि आतंकियों को जम्मू कश्मीर में कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया था अपनी वोट की ताकत के साथ, कुछ वैसी तस्वीरें आज सुबह से भी आनी शुरू हो गई हैं। और इस बीच स्टूडियो में भी मेहमान हमारे साथ आना शुरू हो गए, मैं बता दूं आपको जयराम विप्लव हैं जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से हैं। जयराम विप्लव स्वागत है आपका। विकास गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ अफजल अब्बास जुड़ेंगे, डॉक्टर विजय राठी जो कि एसपी स्पोक पर्सन है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयराम विप्लव, 95 सीट्स है, 91 सीटों पर पहले हो चुका है चुनाव, तो इन 95 में से कितना आपको लग रहा है, क्योंकि साउथ का कर्नाटक और तमिलनाडु छोड़ दे आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं, लेकिन क्या लगता है आपको कितने आश्वस्त है? देखिए, 2019 का जो चुनाव है उसमें हर सीट पर एक बहुत अहम चीज मैंने देखी कि मोदी फैक्टर हर सीट पर काम कर रहा है। मैं पहले चरण में बिहार में मतदान करके लौटा हूं कुछ दिन पहले, मैंने देखा कि मतदाताओं के भीतर एक अंडर करेंट है, एक साइलेंट वोटर मतदान के दिन निकल करके राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट कर रहा है। अभी जो खबर हम देख रहे थे नक्सली हमले की, तो उस खबर से उसके पहले जो छत्तीसगढ़ में हुआ, साफ है कि इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा भी विकास के साथ एक बड़ा मुद्दा देश के मतदाताओं के सामने है, और राष्ट्रीय सुरक्षा
सुरक्षा पर जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है और जो सरकार ने एक नीति पुलवामा हमले के बाद स्पष्ट की है, और साथ ही जो 40 जिले नक्सल प्रभावित थे उसको मुक्त किया है पिछले 5 वर्षों में, ये सारे मुद्दे भी इस बार चुनाव में होंगे। विकास गुप्ता, राष्ट्रवाद ये कह रहे हैं क्योंकि बहुत सी ऐसी सीटें जहां पर मुकाबला, जहां पे बी के हरिप्रसाद खड़े हैं, बेंगलुरु साउथ की भी सीट है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर की कई ऐसी बातें, नक्सल का तो उन्होंने जिक्र किया ही किया क्योंकि यहां पर लकीर साफ खींची गई है इस बार। देखिए, नेशनलिज्म को एक इशू भाजपा ने बनाने की कोशिश अवश्य की है, और जिस तरह मेरे दोस्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि वोटर साइलेंट है, तो साइलेंट होने का ये भी आप समझिए कि 2014 में जिस तरह से खुलकर के वोटर मोदी लहर पे आया था, और इस बार साइलेंट है भाजपा। कतई उनको नेशनलिज्म का इशू बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वोटर के, युवाओं के मन में नौकरियां, देश की अर्थव्यवस्था, किसानों के लिए जो फार्मर डिस्ट्रेस है, ये एक बहुत बड़े कभी नहीं चाहेगा नक्सली मजबूत हो जाए, वो तो कभी नहीं चाहेगा सेना कमजोर हो जाए, वो तो कभी नहीं चाहेगा एफ्सपा रिव्यू हो जाए, वो तो कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ पर आतंकियों को अधिकार ज्यादा दीजिए, वो तो कभी नहीं चाहेगा वहाँ पर वो पार्टी जो आतंकियों का समर्थन करती है, देश की सुरक्षा में नहीं है। उस तरह से आर्मी जो है वो एक निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, और वो देश की आर्मी है और वो सशस्त्र है। देश की सीमाओं को संभालने, एक बड़ी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सुपरस्टार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तलाइवा वोट डालते हुए आपके स्क्रीन पर। लेकिन डॉक्टर विजय राठी, कहीं ना कहीं आप भी ये बात मानेंगे, इन इलेक्शंस में कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन जो है ये बेसिकली इलेक्शन है मोदी को चुनना या नहीं चुनना, विपक्ष उसमें कहीं दिखाई नहीं देता है, वोटर जब निकल रहा है तो वो इस बात पे मोहर लगा रहा है उसे मोदी चाहिए या नहीं, प्रत्याशी जो है उसके लिए गौण हो गए, ऐसा पॉलिटिकल पंडित से बार बार कह रहे हैं। नहीं देखिए, अगर आप जो फर्स्ट फेज हुआ है इलेक्शन का अगर आप उस पर नजर डालें तो लगभग जितनी सीटें हैं उस पर सब पे गठबंधन जीत रहा है, और जिस तरीके से भाजपा के हमारे साथी बोल रहे थे कि वोटर साइलेंट है, अभी दूसरे साथी भी बोल रहे थे, ये भी बिल्कुल सही बात है कि वोटर साइलेंट है, लेकिन साइलेंट का मतलब ये है कि लड़ाई जो है वो सच और झूठ के बीच में। सर, जब आप लोग साइलेंट कहते हैं उसके बात नहीं समझ पा रहे आप लोगों से, जब आप लोग अंडर करंट और ये बात कर रहे हैं, देखिए अंडर करंट मोदी लहर की बात ये लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहा? जब हम लोग गांव में जाते हैं क्यों नहीं दिख रहा? ये सवाल मेरा बीजेपी से, सवाल मेरा आपसे भी। बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को कहते हैं कि अंडर करंट है, अंडर करंट अब वो अगेंस्ट है या फेवर में ये नहीं बताते, लेकिन हम लोग बताते हैं कि अगेंस्ट में। अगर आप गांव में चले जाइए, आज किसानों से आप हालात पूछिएगा उनके क्या है, क्या उन्हें फसल का दाम मिला है, मैं प्याज की बात करूं, टमाटर की बात करूं, आलू किसान की बात करूं, गन्ना किसान की बात करूं, अलीगढ़ चले जाइए, हाथरस चले जाइए, मुजफ्फरनगर चले जाइए, बागपत चले जाइए, कहने की बात थी रैलियों में तो फिर वही हिंदू मुस्लिम दिख रहा था, रैली में तो सिर्फ ये दिख रहा था कि जाट पिछली बार जो अलग हो गया था या फिर जो मुस्लिम पिछली बार बट गया था इकट्ठा कर लो, वही मार्जिन था, वही बीजेपी का अगेंस्ट आ जाएगा और हम वहां पर चुनाव जीतेंगे। मुझे एक और दिव्यांशु, मैं आता हूं वापस एक बार, मुझे दिव्यांशु का रुख करना है, कोलकाता से हमारे साथ मौजूद है, वेस्ट बंगाल से। दिव्यांशु, 3 सीटों पर यहां पर इस बार वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहा है, लेकिन दीदी जो है वो लगातार पिछली बार कैसे जो पोर्ट्रे किया गया, फिरदौस को चुनाव मैदान में उतारना, बांग्लादेशी एक्टर्स को लेकर के आना, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये भारी पड़ेगा? लोग कम से कम इस चीज के लिए तो वोट नहीं देते, इस चीज को तो नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेजिटिमेसी दे दी जाए। देखिए एक बात कहता हूं, ये जो फिरदौस आया था या नूर आया था, ये लोकल लीडरशिप का जो मैटर था वो लोग लाए थे, और बंगाल और जो बांग्लादेश है उनका संस्कृति, उनका जो कल्चर है वो एक है, यहाँ का जो एक्टर है वो बांग्लादेशी मूवी में एक्टिंग करते हैं, बांग्लादेश का जो एक्टर्स है वो बंगाली मूवी में एक्टिंग, पंजाब और लाहौर का भी एक है, यहाँ पे वहाँ का एक्टर्स का पॉपुलैरिटी पंजाब और लाहौर का भी एक है, पाकिस्तान से ले आते हैं फिर 3-4 वहां से भी। नहीं, आप पाकिस्तान इंडिया का रिलेशन और बांग्लादेश इंडिया का रिलेशन को एक मत कीजिए प्लीज, ठीक है? तो जो सांस्कृतिक जो मेल है इसके लिए ये लोकल लीडरशिप का लाया हुआ था, वो भी एक लोकल बांग्लादेश में जाके सांस्कृतिक धरोहर शेयर करने वाले वोट भी डालते हैं, देवांशु बांग्लादेशी घुसपैठिए ये वापस जाके वोट भी डालते होंगे फिर। अरे बंगाल, बंगाल में वो बांग्लादेशी, अरे बंगाल में बांग्लादेशी मूवी देखा जाता है, बांग्लादेश में बंगाल का सीरियल देखा जाता है, आपका जो बंगाली चैनल है, आपका जो
आपका जो बंगाली चैनल है, आपका जो बंगाली चैनल है उसका व्यूअरशिप बंगाल से ज्यादा बांग्लादेश का है, ठीक है? तो ऐसा ही होता है, इसलिए वहाँ पे वहाँ के लोगों पे थोड़ा पॉपुलैरिटी है, उसको यूज कर रहा है। देखिए जो तीन सीट पर लगातार हम दिखा रहे हैं, इस अपील के साथ ब्रेक में जा रही हूँ कि आपकी सेल्फी का जी न्यूज को इंतजार है। वोटिंग राउंड टू हैशटैग, उस पर अपनी सेल्फी क्लिक कीजिए, प्लीज घर से निकलिए। आपसे अपील कर रहे हैं बार बार, मतदान आपका ना सिर्फ अधिकार है, पिछली बार ड्यूटी भी है। अदिति पिछली बार अब तक हमने देखा है बहुत से लोगों की सेल्फी आ गई थी, इस बार लोग कहाँ घर पे हैं, क्या है, क्या छुट्टी मत मनाइए, प्लीज। नहीं, हाँ सेल्फी लीजिए, भेजिए फटाफट।